हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक टू फ्रेंड्स में। देखिए दोस्तों, हम सभी वीडियोस डाउनलोड करते हैं, गेम्स डाउनलोड करते हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। ज़्यादातर तो हमारे पास पीसी होता है, लैपटॉप होता है। तो लैपटॉप पीसी में तो हम आईडीएम डाउनलोडर यूज़ कर लेते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छी स्पीड देता है और आपकी जो वीडियोज़ होती है उन्हें कैंसिल भी नहीं होने देता। लेकिन जब हम मोबाइल में करते हैं, तो जब मोबाइल में करते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल में कोई ऐसा हमारे पास अभी डाउनलोडर हमें नहीं पता है, जिससे कि हम अच्छी तरह से भी अपनी वीडियो, सॉफ्टवेयर, ऐप्स कुछ भी डाउनलोड कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ एक बहुत अच्छे डाउनलोडर के बारे में, जिससे आप कभी भी कोई भी मूवीज़ कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं बेझिझक, बिना टेंशन के। तो सबसे पहले हम खोलते हैं प्ले स्टोर। सबसे पहले प्ले स्टोर खोल लीजिए और प्ले स्टोर पर आप टाइप कर दीजिए ADM और फिर सर्च कर दीजिए। ADM के बाद ये आ जाएगा, एडवांस डाउनलोड मैनेजर। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो मेरा ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ और मेन्यू में जाके भी ओपन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये आ जाएगा। देखो, मैंने इसमें पहले से ही बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड कर रखी हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये इसका मेन्यू है। इसमें देखिए पॉपअप मैसेज, ये मैसेज तब दिखाएगा जब आप कोई भी डाउनलोड शुरू करने जा रहे हैं। वाइब्रेशन भी होगी जब आप कुछ चीज़ डाउनलोड करने जा रहे हैं तब भी। और इसमें एक ऑप्शन भी, ओनली वाईफाई, जब आप डाउनलोड करें तब अगर ये ऑप्शन ऑन है तो सिर्फ आप वाईफाई होगा आपके मोबाइल में कनेक्ट, तो ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये सभी ब्राउज़र में काम करता है, चाहिए आपका वो यूसी ब्राउज़र हो, क्रोम हो या ओपेरा हो। तो दोस्तों चलिए हम खोल लेते हैं क्रोम। तो क्रोम में जैसे दोस्तों आप कोई भी साइट पे चल जाना, जैसे कि मुझे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं मेरे कंप्यूटर के लिए, तो मैं क्रैक पैकिंग साइट पे जाता हूँ क्योंकि मैं इससे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने जा रहा हूँ और आपको बताता हूँ कि ये जो ADM है वो यूज़ कैसे होता है। जैसे दोस्तों, मैं इसमें से एक सॉफ्टवेयर, ये देखिए दोस्तों, मैं ये डाउनलोड करने जा रहा हूँ। आप कोई भी कोई भी साइट से इसे यूज़ में ले सकते हैं, चाहे वो djpunjab.com है, चाहे किसी भी, आप कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं वहाँ से भी। ये पेज इसलिए खुल रहे हैं क्योंकि साइट ही ऐसी है, इसमें लगातार पेज ओपन होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ से डाउनलोड ना करेंगे तो ये क्रोम में डाउनलोड होगा, लेकिन हमें तो उसमें ADM में करना। तो ADM में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको शेयर करना होगा, इस पेज को शेयर पे क्लिक करीजिए और ADM ब्राउज़र में जाएं। या तो आप डायरेक्ट ADM ब्राउज़र में चला सकते हैं या फिर यहाँ से शेयर कर सकते हैं, अगर आप और दूसरा ब्राउज़र चला रहे हैं तो। अभी देखिए दोस्तों, सेम टू सेम पेज वैसा ही इसमें खुल गया, तो हम यहाँ पर डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर देते हैं और ये पेज एक्स्ट्रा खोलती है साइट, इसलिए हम इसे क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर अब दोबारा डाउनलोड कर देते हैं इस पर। तो देखिए दोस्तों, अब वाइब्रेशन हुई और ये आ जाएगा। ये जब तक स्क्रॉल होगा जब तक यहाँ पर नेम ना आ जाए फाइल का, और जब तक फाइल का नेम ना आ जाए इतने आपको वेट करना होगा। अब ये देखिए दोस्तों, इसमें एडवांस दिखा रखी है कि अगर मुझे एडवांस चीज़ें देखनी हो तो, जैसे मुझे मैक्सिमम स्पीड रखनी है डाउनलोड की और स्मार्ट डाउनलोड करना है, कि जैसे कि आप पॉज भी कर सकते हो, रिज्यूम भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, नाम आ गया, अब हम स्टार्ट कर देते हैं। अभी देखिए दोस्तों, ऊपर इसकी प्रोसेस शुरू हो गई है। अब ये आप चाहिए इसको क्रोम को हटा दीजिए, बिल्कुल ही हटा दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, लेकिन तब भी ये देखो डाउनलोडिंग शुरू हो रही है। ये देखो, ये क्यू में आ जाएगी जो भी आपकी डाउनलोडिंग हो रही है। और देखिए दोस्तों, ये इसे आप इसको पॉज कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं, सब कुछ हो जाता है यहाँ से ही। और आपको कोई टेंशन लेने की बात ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
क्योंकि इसमें आप कई रात को आपकी फ़िल्म कोई भी डाउनलोड करने के लिए छोड़ सकते हैं और सुबह देखोगे तो आराम से हो जाए, क्योंकि इसमें जब एक बार कैंसिल हो जाती है तो ये ऑटोमेटिक ही शुरू कर देता है। तो मैं आपको एक साइट और दिखा देता हूँ, जैसे देखिए दोबारा शुरू हो गई है और वहीं से शुरू कर दिया, ये नहीं है कि वापस रिस्टार्ट करें। जैसे हम कोई भी गाना डाउनलोड करते हैं तो डीजे पंजाब, वैसे चाहे तो आप क्रोम से कर सकते हैं लेकिन इसका ब्राउज़र भी है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे मैं ADM खोलता हूँ तो यहाँ पर इसका ब्राउज़र है, ये ब्राउजिंग का ऑप्शन है, यहाँ से आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी URL टाइप करिए, जैसे मुझे djpunjab.in, मुझे यहाँ से सॉन्ग डाउनलोड करना है। ये साइट ओपन हो गई है। अब कोई भी मुझे वीडियो सॉन्ग या ऑडियो सॉन्ग आप हर चीज़ कर सकते हैं इससे। तो मैं पंजाबी वीडियोस पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यही प्रोसेस आप क्रोम में भी कर सकते हो, ओपेरा में भी, UC ब्राउज़र में भी, लेकिन जब आपका डाउनलोड का ऑप्शन आ जाए, आपको पता है ऐसे चीज़ वो डाउनलोड होने वाली, तो उस पेज को आप शेयर करके ADM ब्राउज़र में डाल लीजिए। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ अभी न्यू पंजाबी वीडियोस पे। अभी देखिए दोस्तों ये आ गई है। तो मैं कोई भी वीडियो डाउनलोड करता हूँ, जैसे कि पीपा, ये डाउनलोड कर लेता हूँ, मुझे करनी है HD में। तो यहाँ से क्लिक करने के बाद अभी देखिए दोस्तों ऊपर ऑप्शन आ गया डाउनलोड का, तो यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए और ये देखिए फिर से आ जाएगा, नाम आ जाएगा और ये आ जाएगा, फिर स्टार्ट कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों होने लगी हमारी वीडियो। इस ऐप से आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में कोई भी सॉफ्टवेयर, चाहिए वो PC का है हो, चाहे ऐप हो मोबाइल की, चाहे सॉन्ग हो, वीडियोज़ हो, कुछ भी कर सकते हो डाउनलोड। और ये बहुत अच्छी ऐप है, इससे आप कोई भी टेंशन नहीं है आपको कि वो फाइल कैंसिल हो जाएगी। अगर आपका नेटवर्क चला भी जाता है तो ये ऑटो, जब नेटवर्क आएगा तो ऑटो रिज्यूम हो जाती है, वापस ही चलना शुरू कर देती है अपने आप। और अब आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ये अभी दिलजीत दोसांझ वाली हो रही है वीडियो। तो दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ऐसी बहुत सी चीज़ें और लाते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि आपको दोस्त, आपके जो दोस्त हैं और उनको भी पता चले कि ऐसे ऐसी कोई ऐप है जिससे आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। कितनी बड़ी चाहिए आपकी फ़िल्म हो, कितना बड़ा आपका सॉफ्टवेयर हो, वो आसानी से हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों अभी दिलजीत दोसांझ की वीडियो पूरी डाउनलोड हो रही है। और याद रखिए दोस्तों, जितना आपका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा उतनी अच्छी स्पीड इसमें ये देगा। अभी तो स्पीड ये 341 KBPS, 249 KBPS कुछ ऐसे चल रही है। आप भी अपने दोस्तों को इस ऐप के बारे में बताएं, जिससे कि उन्हें भी पता चलेगा कि आप कैसे इससे डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो ना पसंद आई तो डिसलाइक ज़रूर करें, ताकि हमें भी पता चले कि हमने क्या गलती की और उसे आगे सुधारें। ये देखिए दोस्तों अभी स्पीड कम हो गई है, तो यहाँ पर भी कम हो गई है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो डाउनलोड हुई वो कहाँ जाएंगी फाइल्स। इंटरनल में जाइए और ADM नाम से ऐप का फोल्डर मिलेगा। ये देखिए दोस्तों सभी चीज़ें आ गई है। यहाँ पर मैंने जितने सॉफ्टवेयर कर रखे हैं जिप में, वो सभी यहाँ पर आ गए हैं। आपकी वीडियोस भी इधर ही आएगी जो भी डाउनलोड होएगी। अभी देखिए दोस्तों वाइब्रेशन हुई, यानी कि देखो ये डाउनलोड हो चुकी है। तो आप वहीं पर, या तो आपके पास MX प्लेयर है तो वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन आपको यहीं पर भी मिल जाएगी इसी फोल्डर में। ये देखिए दोस्तों आ गई है वीडियो, हम इसे MX प्लेयर में चला रहे हैं। ये देखिए दोस्तों ये वीडियो आ गई है। तो ऐसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।
कहीं से भी कुछ भी। धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।